कि बहुत ही सेफ सीट किसे कह सकते हैं, वन ऑफ द सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। जोधपुर क्या कहता है, जोधपुर ओपिनियन पोल क्या कहता है, जोधपुर की वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहती है, वीआईपी चेहरा क्या कहता है, गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी का एक और बड़ा चेहरा। गजेंद्र शेखावत पिछले दो टर्म से यहाँ से सांसद हैं, क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, खासतौर पर उनकी पहचान है। करण सिंह उचियाड़ा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, गजेंद्र शेखावत इसी पर काफी प्रबल प्रत्याशी, इसी पर जातीय समीकरण बहुत हावी है। आइए पूरा ही बेल्ट की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण पूरा जो है यहाँ पर अफेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि जैसा आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला है किस तरीके से होगा, करण सिंह कुचियारा है और साथ ही साथ आलोक सर, आपको ये मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं और उनका वैसे विधानसभा चुनाव के समय पहले ऐसा संकेत लगता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जिस ढंग से सिंसियरली वो काम करते हैं बहुत ही कमिटेड और पार्टी के नेतृत्व के भी बड़े क्लोज हैं, इसलिए पूरी पार्टी उनके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी खास करके उनके लिए पूरी ताकत वो लगा रहे हैं और वर्कर्स का भी, आरएसएस ने भी, वैसे ठीक है कि जातीय समीकरण और सब होते हुए संघ का भी यही कोशिश कर रही है कि इसको तोड़ा जाए और ऐसा ना लगे कि कौन जाति के प्रभुत्व से निकाल करके जिताने की कोशिश है, इसलिए शेखावत का चांस लगता है कि जीत सकते हैं। अरविंद सर, आपका टेक से पहले की ओपिनियन पोल का रिजल्ट बताएं। देखिए, जाति के लिए बिहार बदनाम सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल राजस्थान में सबसे ज़्यादा खुल के जाति का हिसाब चलता है, जातिगत संगठन, पत्रकारों के जातिगत बने हुए हैं संगठन खुल के, वो कोई उसमें दवा छुपा मामला नहीं। तो एक जो जाटों की नाराजगी है वो है, इस सीट पे मेरे ख्याल वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ ठाकुरों की अपनी नाराजगी और अपना बंटवारा है। और ये गुजरात से एक हवा जो अभी चली है रूपाला के बयान को लेके, वो हवा इफेक्ट कर रही है राजस्थान को भी, पड़ोसी राज्य होने की वजह से और राजपूतों का दबदबा होने की वजह से, कि राजपूतों का दबदबा अब तक राजस्थान की पॉलिटिक्स में रजवाड़ों का, राजपूतों का दबदबा काफ़ी रहा है। तो वो हवा कहाँ तक पहुँचेगी, क्या पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, उसको बीजेपी के लोग मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने की चीज़ होगी। मेरे ख्याल से संघ की सारी ताकत लगने के बावजूद ये हवा आसानी से, क्योंकि संघ ने भी कई चीज़ों में, फिल्म की कंट्रोवर्सी और कई चीज़ों को आप याद करें तो आप पाएंगे कि इसी राजपूत संगठनों को, इन्हीं राजपूत संगठनों को हवा भी दी थी, क्योंकि उसके जरिए वो हिंदुत्व का कार्ड अपना किया, लेकिन अब उनका कंट्रोल उस पर रहेगा कि नहीं, ये रिस्क खेल असल में जाति का होता है, जाति का ही नहीं, इस किस्म के जितने भी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसका। अब इसका रिजल्ट संभालना थोड़ा मुश्किल काम है, वो संभला तो जीत जाएंगे। जी जी जी, और यहाँ पर भी अफेक्ट कर सकता है आपने कहा कि जाटों की नाराजगी, लेकिन जीत सकते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे आलोक सर ने कहा कि संघ का प्रभाव है और बहुत ही डिपेंडेबल चेहरा है गजेंद्र शेखावत, जोधपुर जीत सकते हैं। और अगर एक और शब्द लगा लूं ओपिनियन पोल के मुताबिक, मयंक आसानी से जीत सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे दोहरी मार हम लोगों को दिखेगी भाजपा पे, एक तरफ राजपूत समाज रहेगा, एक तरफ जाट समाज रहेगा। तो अगर राजपूत समाज की नाराजगी सही समय तक अगर ख़त्म नहीं होती है, अगर वो एकमुश्त वोट अगेंस्ट में दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, बहुत कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से जाटों की नाराजगी और जो जाति राजनीति, जो अरविंद सर और आलोक सर ने भी जिसका जिक्र किया, मयंक ने कहा कि ओपिनियन पोल भी उसी तरह ही जिक्र कर रहा है। वहीं हनुमान बेनीवाल नागौर से, ये देखिए हनुमान बेनीवाल और आलापी प्रत्याशी, ये पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीट से जीते थे, जाट वोटर्स में हनुमान बेनीवाल की अच्छी पकड़ है, जातीय समीकरण में बेहद फिट बैठते हैं, जाट वोटर्स में बहुत अच्छी पकड़ है। बीजेपी ने ज्योति मिर्दा को टिकट दिया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पकड़ बहुत अच्छी है और हनुमान बेनीवाल को यहां पर ज्योति मिर्दा जो है वो दे रही है टक्कर। आलोक सर, बड़ा मैंने कद्दावर नेता है, लेकिन बीजेपी ने महिला वाला जो इस समय है नारी वंदन, उस तरह से ज्योति मिर्धा को, ज्योति मिर्धा का भी, मिर्धा परिवारों का भी बड़ा प्रभाव कांग्रेस की राजनीति से भी रहा और बीजेपी ने भी उनको, जैसे आप अभी कह रहे थे, राजपूत यदि नाराज होता है और जाट को इकट्ठा करता है, राजपूत समाज के जो विद्रोह इस समय दिखाई दे रहा है वो कुछ जाट बहुल सीटों पर फायदा दे रहा है, इसीलिए हमें तो आज कई बार शंका होती है कि कई बार इसी तरह के आंदोलन खड़े किए जाते हैं और उसके बाद उसको शांत कर दिया जाता है, हो सकता है रूपाला को भी बाद में वो शांत हो जाए, क्योंकि अभी कुछ सीटें निकल जाएंगी इस पहले चरण में,
उसके बाद इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी और ज्योति मिर्धा का चांस फिर भी बनता है। तो वो आपने कहा अरविंद जी, जो चली थी रूपाला के बयान के बाद आपने कहा कि गुजरात से जो हो राजस्थान को अफेक्ट कर रही है, सीट को अफेक्ट कर रही है, क्या आपका ओपिनियन क्या, कैसा मुकाबला है? हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स बहुत साफ क्लोज आट रही है और उसी के लिए पार्टी से अलग भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, ताकत बनाई है और बीजेपी से नाराजगी जाओ की सकती नहीं है, उनमें सख्त सूरत किसी की खराब होती हो। बीजेपी का वायदा लेके और किसानों के साथ के वायदे को मानते हैं जाट लोग कि जो वायदा किया था बीजेपी ने वो पूरा नहीं किया है और बेनीवाल लगातार इन सवालों को उठाते रहे, इसीलिए उनसे एलायंस कांग्रेस ने कर लिया, बीजेपी की कोशिश करती रही आखिर तक, लेकिन उनको अपने समाज के नब पे ज़्यादा बढ़िया ढंग से उनका हाथ है तो उन्होंने बीजेपी से एलायंस नहीं करके कांग्रेस की तरफ गठबंधन की तरफ वो आने का फैसला किया और बल्कि उनका रुख देख के ही इंदौर में मिर्धा ने भी पला बदला। तो आपने पहले भी उनको राजस्थान का जो वोटर है वो अपने आप में जिसे क्या कहते हैं वोकल भी है और वो बहुत आसानी से वो जो है वो इन्फ्लुएंस भी करता है, वो अगर वोट करता है, अगर कास्ट पे वोट पड़ता है तो वो ठीक उसमें पड़ता है, जाटों की नाराजगी है तो नाराजगी है उसका अफेक्ट भी पड़ता है और सीट पर पड़ता है और बिल्कुल हमने देखा। तो ये बिग फाइट क्या क्या रही है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, नागौर में इस सीट से हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी से हैं जीत सकते हैं, जैसे कि अरविंद सर भी कह रहे थे जीत सकते हैं क्योंकि बहुत ही साफ और बहुत ही क्लीन उनकी पॉलिटिक्स रही है, आरएलपी जो कि इस वक्त गठबंधन है जीत सकते हैं। मयंक, ओपिनियन पोल क्या कहता है, जीत सकते हैं और किस तरीके से जीत रहे हैं? जीत सकते हैं, इन्होंने ज्योति मिर्धा को पहले भी हराया है 2019 में तो उनके लिए कोई एक केक वॉक हम लोग कह सकते हैं ये रहेगा और निर्दलीय बहुत देखने को मिलता नहीं जनरली हम लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार इतनी आसानी से जीत रहा हो। तो राजस्थान में हम लोगों की दो फाइंडिंग थी, एक रविंदर सिंह भाटी और एक दूसरे बेनीवाल, ये दोनों निर्दलीय होते हुए भी वहाँ पे निकाल रहे हैं चुनाव और ये उनके लिए केक वॉक रहेगा वहाँ। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपने दो सीटें दी थी अदर्स को, वो एक सीट ये थी जी हाँ बिल्कुल जो ओपिनियन पोल में दी थी जी। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं, अगली सीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा वीआईपी और बहुत ही ज़्यादा